पंजाब में यूएसटीवी की विशेष रिपोर्ट में वरुण कौर मान। अमेरिका में कोरोना मरीजों की गिनती 4 करोड़ के पार हो गई है। एक बार फिर लग गया कि जिवें कोरोना अमेरिका दे विच दुबारा अपने पैर पसार रहा है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अमेरिका कोरोना के डेल्टा वेरियंट की लपेट में है। वह हुण तक के सब तो बुरे दौर विचों लंघ रहा है। देश में पिछले 8 महीनों के सब तो ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। हाल यह है कि हर 55 सैकेंड विच एक मौत अते हर 1 मिनट विच 111 लोग पीड़ित हो रहे हैं। यानी अमेरिका विच हर सैकेंड विच 2 केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका विच कोरोना के मामले 4 करोड़ नूं पार कर चुके ने। 6.62 लाख तो ज़्यादा मौतें हो चुकिया ने। देश भर के हस्पताल भर चुके। ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा मंडराउण लगा है। सिर्फ अगस्त में ही अमेरिका में कोरोना के 42 लाख तो ज़्यादा नवे मामले दर्ज किए गए हैं। मृतकों की गिनती जुलाई की तुलना में 3 गुणा तो भी ज़्यादा बढ़ के 26,805 हो गई है। रिपब्लिकन राज्यों में मौतों की गिनती पिछले साल तो बढ़ गई है। हवाई, वर्मोंट, टेक्सस, कंसास, वर्जिन, आइलैंड अलास्का, उटाह, निवादा, ओरेगन, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना 2020 की तुलना में अगस्त 2021 ज़्यादा मौतें दर्ज की गई। एरिज़ोना, ओक्लाहोमा, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया और अलबामा में यह अंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के शासन वाले अरकनसास, फ्लोरिडा, लुसियाना, मिसिसिपी और ओरेगन डेल्टा वेरिएंट के एपीसेंटर बने हुए हैं। अमेरिका में मार्च तो हुण तक वैक्सीन की 1.5 करोड़ तो ज़्यादा डोज बर्बाद हो चुकी है। इन्नी डोज नाल दुनिया के 20 तो ज़्यादा छोटे देशों की पूरी आबादी में वैक्सीनेट किया जा सकता है। यह जानकारी अमेरिकी फार्मेसी कंपनियों और राज सरकारों द्वारा जारी अंकड़ों नाल सामने आई है। एसी पंजाब मेल यूएसए टीवी की विशेष रिपोर्ट। सत श्री अकाल।